कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी, कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, नमस्कार, खुशामदीद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रोशन अब्बास और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से टू द शो विच इज कॉल्ड नोकिया जीना इसी का नाम है। दोस्तों, कुछ लोग हमें जिंदगी में चलना सिखाते हैं, कुछ पढ़ना लिखना सिखाते हैं, कुछ हंसना सिखाते हैं। उनकी हंसी से हमारे कुछ जिंदगी के लम्हे और आसान हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। और शायद इस जिंदा दिली से जिंदगी को जो लोग जीते हैं वो हमारी जिंदगी में एक बहुत ही अहम जगह पाते हैं। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच यहां पर आने वाली है, द वन एंड ओनली सतीश शाह। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आइए, माय प्लेजर सर। आज जो है बड़े ही यू नो, अगर मैं कहता तो लगता था कोई बैंकर वैंकर आके बैठा हुआ है। हाँ, इनके साथ बहुत लोगों ने अपने सपने बैंक करे हैं, अपनी स्माइल्स बैंक करी हुई हैं, क्योंकि सचमुच आई थिंक हमेशा खड़े उतरते हैं जब भी कोई भी इनको आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। दरअसल मैं मुर्दा बन के इंडस्ट्री में आया था। मुर्दा बन के इंडस्ट्री में आए थे, उसकी बातें कुछ देर के बाद करने वाले हैं। शुरुआत जब इनकी जिंदगी की हुई थी, जीवन की हुई थी, चलिए वहां से शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक यंत्र है, बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है सर। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो जब आदमी वो पुराने किस्से सोचता है तो याद आते होंगे बचपन के कुछ दोस्त। हमने कोशिश करी कि आज कुछ लोगों को यहां पर बुलाएं, उनसे भी कुछ बातचीत करें आपके बारे में। आइए साहब, हमारे पहले गेस्ट यहां पर इंतजार कर रहे हैं, आइए हुजूर। अमरीश मेहता जी इनके बचपन के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती goes back to 1963, 64. Yeah, that's it. 63, 64. Yeah. Amrish ji, thank you so much for coming here. आइए, please, बैठिए। आइए, बैठिए। आपको आपको याद है कि क्या बचपन में इनका इनके शौक उस टाइम पर क्या थे? बाद में एक्टिंग की तरफ तो कॉलेज के बाद इनकी इंटरेस्ट गई थी, उससे पहले क्या इंटरेस्ट थी? स्पोर्ट्स की इंटरेस्ट थी मुझे लगता है। हाँ हाँ, काफी खेलते थे, काफी अच्छा खेलते थे। यूज टू प्ले गुड क्रिकेट, यूज टू प्ले गुड बेसबॉल, यूज टू प्ले ऑल द इंडोर गेम्स, यूज टू प्ले वेरी वेल। अभी कोई बोलेगा मुझे देख के? एंड भैया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ओह या या, चैंप था मैं स्कूल का। दैट्स व्हाट, रियली? यकीन होगा आप लोगों को, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप चैंप मैं था। टीचर्स का इनकी तरफ क्या? ओह, दे वर हिज फैंस। या यस, ही वाज अ गुड एक्टर, यू नो। He always excelled in his... The problem was I acted in class also as if I'm studying. But number वगैरह अच्छे आते थे। मेरा हमेशा ये मानना था कि अगर 45% में promotion मिलता है तो why try for 70%? कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जिंदगी में जो कि हर इंसान को मुझे लगता है एकदम से बड़ा कर देते हैं। 86 का जो साल था वो आपके लिए बहुत ही बुरा रहा था। Yeah, I lost my parents. And in a very short span of time, within 3 months of each other, you lost both of them. Both of them, yes. So, but that's how life is. एक चीज मैं जानना चाहता था कि अपने परिवार में who were you closer to, mother, father? Both, in fact. मैं बड़ा मुंह लगा बेटा था और in fact काफी बचपना भी था मुझ में, जो looking back now I feel कि मैंने शरारतें भी की है और बचपना भी काफ़ी था मुझ में। मैं एक्चुअली थोड़ा मच्योर हुआ आफ्टर द सडन डिमाइस,
उसके बाद मुझे पता चला कि सडनली आई बिकेम लोनली गाय इन द यू नो, जब तक माँ बाप कितने भी बूढ़े हो उनका साया आपके सर पे होता है तो आपको एक उनकी सरपरस्ती से आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक एक किस्म का कि भाई कोई तो है मुझे देखने वाला, वो सडनली साया हट जाए तो आदमी अकेला पड़ जाता है दुनिया में। भाई बहन ऑफकोर्स होते हैं मगर फिर भी, तो वो रियलाइजेशन मुझे तब हुआ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं एबलापन मेरा कम हो गया। भाई सचमुच जो है एक मानता है कि कोई भी बात करिए तो तब भी उसमें उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छाई ढूंढ लेते हैं, एक मुझे बड़ी बड़ी एक अच्छी बात लगती है आपके साथ। I guess that is growing process, I guess. Absolutely. इनसे बहुत लोग बात करना चाहते थे आज, कुछ लोगों की बातचीत शायद यहाँ ना हो पाए लेकिन इसके जरिए हो ही सकती है, देखते हैं कौन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हेलो सत्तू, तुम बचपन में बहुत शरारती थे, एक दिन तो तुमने तकरीबन अपनी आँख ही गंवा दी, वो तो खुशकिस्मती से तुम्हारी आँख बच गई। तुम्हारे अपने दोस्त हुआ करते थे, हमारा सर्कल था दोस्तों का, और तुम लोग सिर्फ घूमते थे, खाते थे, पीते थे, मौज मस्ती करते थे और कुछ नहीं करते थे। और हम लोग घर में ये सोचा करते थे कि लड़का कब सुधरेगा, इसे कब अकल आएगी, ये ज़िंदगी में क्या करेगा। फिर जब इंटर में आए शायद, तब तुमने ऐलान किया कि मैं पढ़ना वढ़ना नहीं चाहता, मैं तो भाई एक्टर बनूंगा। मधु जी हैं आपकी सिस्टर। ये बात सच में मुझे याद आ गई, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट बोथ माई आईज। वो बहुत छोटे थे हम लोग, वो बच्चे का भी कसूर नहीं है, उसने बस ऐसी मुट्ठी नहीं पूरा ये खुबा भर के आँख में मेरे रेत डाल दी और फिर बच्चा होने की वजह से मुझे समझ नहीं आया क्या करना, तो मैं आँख मलता रहा जिसकी वजह से मेरी आँखों की पुतलियों में पूरे स्क्रैचेस पड़ गए थे दोनों। ऊपर वाले की कृपा है कि आप एकदम ठीक रहे। जी जी ठीक रहा। और आज भी मुझे एक चीज़ और नजर आती है, इनकी किसी भी परफॉर्मेंस में अगर आप देखिए तो इनकी आंखों में एक चमक रहती है, एक ट्विंकलिंग इनकी आईज हैं ऑलवेज। वो रेत में जो कभी कभी शीशे के टुकड़े मिले होते हैं अभी तक होंगे। जिंदगी की रेत में कुछ चंद ऐसे होते हैं, कुछ फुटप्रिंट्स हम छोड़ जाते हैं, कुछ हमारे पांव के निशान होते हैं, ऐसे ही कुछ यादें भी होती हैं, उनको ताजा करने के लिए वापस आएंगे बस कुछ ही देर में ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। वेलकम बैक, जीना इसी का नाम है। मैं मेरे साथ बैठे हुए हैं सतीश शाह, जिनकी आंखों की चमक की वजह तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी में भी थोड़ी अलग सी चमक डाली है। कॉलेज में जब थे तो सेंट जेवियर्स में थे और जेवियर्स के टाइम पे आपके बहुत दोस्त बने, आपको थिएटर में इनिशियली इंटरेस्ट नहीं थी। नहीं, दरअसल हुआ ये कि मेरा एक्टिंग में भी घुसना एक इत्तेफाक था महज। हमारे स्कूल में हर क्लास की एक साल में एक असेंबली होती थी जिसमें वैरायटी प्रोग्राम्स होते थे, यानी सॉन्ग होते, फोक सॉन्ग्स होते थे, प्लेज होते थे, उसमें हिंदी प्ले होता था, इंग्लिश प्ले होता था, गुजराती प्ले होता था। तो हुआ यूँ कि वो सारे प्लेज में सो कॉल्ड अच्छे एक्टर्स अब्सॉर्ब हो गए और हिंदी के हमारे टीचर थे उनके पास कोई एक्टर नहीं बचा था, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे लेना पड़ा। ये तो आप थोड़ी ज़्यादती कर रहे हैं कि अपने आप को ऐसा कह रहे हैं। देखिए, उससे पहले मैं लोगों को दिखाता हूँ कि उस जमाने में इनका डील डोल क्या था। तो उन्होंने मुझे वो प्ले में ले लिया और मैं डरा हुआ इतना था क्या करना, किसी ने कहा कि ऑडियंस की तरफ देखना ही मत वरना भूल जाओगे डायलॉग्स, ऊपर देखा करो। तो ऊपर देख के मैंने सारे डायलॉग्स रट डाले, बोल दिए जो रटे हुए थे, और इतना स्टैंडिंग ओवेशन मिला मुझे, अप्लॉज मिला, और उस दिन से मुझे एक्टर का ठप्पा लग गया। एक्टर का ठप्पा लगा और एक्टिंग का ठप्पा लगने के बाद जो था, जब आप कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद आप गए FTII में। जी जी। जहाँ पर एक्टिंग का कोर्स था। जी जी। बहुत लोग थे वहाँ पर। काफी लोग थे जी। जो लोग वहाँ पर आते थे एक्टिंग कोर्स के लिए, जब घर छोड़ के जाते होंगे सब लोग कहते होंगे कि यार गए। जो घर से आते थे जिनको दाखिला मिल जाता था ना FTII में, वो उस शहर का स्टार ऑलरेडी हो जाता था। उस शहर का स्टार। हाँ। हमारे पास भी ऐसे ही एक स्टार आए हुए हैं, एक और शहर से हैं, उनको यहाँ पर बुलाता हूँ, आइए साहब। हाय, सेकंड ईयर एक्टिंग। जी थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बैचमेट। जूनियर था वैसे मैं। अच्छा, आपके बैच में क्या कोई ब्रॉड शोल्डर्स का कोई स्पेसिफिकेशन पहले से था क्या? नहीं, ये जब आए थे तो इनकी बात कहूँ मैं? बिल्कुल। ये बेचारे सहमे सहमे से, बुझे बुझे से,
सुबह सुबह 7-7:30 बजे हम ब्रश करते थे, करते होते थे बैल्कनी में अपनी, तब ये दिखते थे, हाथ में 4 केले लिए हुए बाहर से आते हुए दिखते थे, और जो कोई सीनियर ये हेलो सर, हेलो सर। और आई कांट इमेजिन दैट। हाँ, और उसके बाद साहब 6 महीने बाद ही मेटामॉर्फ्ड इनटू सिल्वेस्टर स्टेलोन ऑफ दोस डेज। यस, सीना संदूक, बाकी सब बंदूक, यानी इनके जो शौक जो हैं सतीश शाह के, ये जितना पागलपन स्क्रीन पे करते हैं उस उससे ज़्यादा ज़िंदगी में है इनका। तो हम जब नए नए बम्बई आए तो इनका घर था, ये ग्वालियर टैंक के पास रहते थे, हमारे तो पेइंग गेस्ट रहते थे, तो हम फ्री फूड ढूंढते थे। तो इनका घर हमेशा खुला होता था, बरकती घर। तो जब भी हम टाउन की तरफ जाते थे सतीश के घर पहुँच जाते थे, तो इनके कमरे में बिस्तर के पास एक गनी बैग रखा होता, बोरी रखी हुई थी, और हम अजीत अंकल की बहुत टेकअप, सब एक दूसरे को उस बात करते थे अजीत अंकल। तो मैंने बोरी में ऐसे हाथ डाल के कहा स्मगलिंग कमाल। तो बोलता है यस निकाल लो, और मैंने ऐसे करके निकाला तो कोई 10 फीट का पाइथन था उसके ऊपर। और मैं इतना घबराया कि मैं ऑलमोस्ट इसकी बैल्कनी से नीचे गिरने वाला था। उसका कलर है ना, उसने अभी जो टी शर्ट पहना ना वैसा हो गया था, सफेद। अच्छा देखिए, FTI के दिनों से इनके कुछ और नामचीन ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको पहचाना, इनके टैलेंट को पहचाना, उनमें से किसी एक से बात करते हैं। बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था और उसने कभी मिस करने की ज़रूरत नहीं समझी क्लासेस, कोई भी मिस नहीं करता था कभी। और उसने बहुत फिल्में की और बहुत अच्छा काम किया है और लोगों ने सराहा है उसके काम को, और अब करता ही रहेगा। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये मेरे गुरु जी हैं श्री रोशन तनेजा साहब, जिनकी छत्र छाया में हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़े, जिनकी गाइडेंस में हमने एडवांस कोर्स एक्टिंग का किया। मुझे मालूम है कि इंडिया में अगर कोई भी लेवल होती है, कोई भी मापना अगर होता है, अगर आप चाहते हैं कि कॉमेडी को मेजर करा जाए, तो सबसे पहले नाम एक ही फिल्म का आता है और वो है जाने भी दो यार। एक ऐसी रिलेशनशिप बनी थी इस फिल्म के दौरान कि मैंने सोचा कि उसको यहाँ पर आपके सामने फिर से जिंदा करने के लिए किसी को लेके आते जिनका इस फिल्म से थोड़ा रिलेशन था। आइए सर। अरे कुंदन झा साहब, इस फिल्म के डायरेक्टर, इतनी बड़ी बड़ी सक्सेसेस इनकी रही हैं। कुंदन साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। आइए। ये हमारा पूरा हुजूम साथ ही निकला था फिल्म इंस्टीट्यूट से। साथ ही निकले थे हम। कुंदन जी कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब इस फिल्म पे काम करना वाज मोर लाइक बीइंग एट द इंस्टीट्यूट के? जहाँ तक जाने वाले का सवाल है, तो हम लोग जब स्क्रिप्टिंग कर रहे थे, ये सब चल रहा था, तो लोग हर बार बोलते थे भाई ये कमिश्नर कौन बनने वाला है। मैंने बोला तुम डेड बॉडी का छोड़ दो, मेरे पास एक एक्टर है। वो आप फिक्र मत करो, मैंने बोला वही आदमी कर सकता है ये रोल। तो वो जब हमारे जो मेरे जो साथ में लिखने वाले थे रंजीत कपूर और सतीश कौशिक, वो इतने नहीं जानते थे सतीश शाह को, लेकिन मेरा मुझे पूरा विश्वास था कि सतीश शाह ये रोल कर सकेंगे, मतलब और किया उन्होंने, बहुत अच्छा किया। मुझे खुद पता नहीं है डेड बॉडी क्या क्या किया उन्होंने, हर शॉट में अलग एक्सप्रेशन दिया। मेरा ऑडिशन कब्रिस्तान में हुआ था। फिर मैं हजारों सीक्वेंसेस ऐसी हैं जिसमें कि अगर आप देखें तो एक वो जब इनकी अमेरिका की ग्रेटेस्ट मैगजीन से तस्वीर खींचने के लिए लोग आते हैं। उसके मैं बता रहा हूँ वो भी कैसे हुआ, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह जरा मेथड एक्टर हैं, अलग है, और ये सब जा रहे थे शूटिंग के लिए गोवा, और वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट था स्क्रिप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो टेंडर के फोटो लेने, बिल्कुल, और नसीर जरा परेशान थे कि भाई कैसे करेंगे, और इनको जाना था, और वो निकलने वाले सुबह सुबह हो गई थी, हम लोग अलीबाग में थे, लेकिन जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि 3 मिनट के अंदर वो सीन शूट हुआ होगा, और मुझे कुछ पता नहीं है क्या करने वाले हैं। वो हुआ यूँ कि मुझे तो जाना ही था, क्योंकि उस ज़माने में मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कि कोई फिल्म मिस हो जाए, जी स्ट्रगलर था, और नसीर वॉज एज उन्होंने कहा कि एकदम मेथड एक्टर। मैंने कहा नसीर एक काम करे, कैमरा शुरू करके अपन जो आता है वो करते हैं, यू एडजस्ट टू मी आई विल एडजस्ट टू यू। जिस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल देखी है, वैसे ही बहुत और ऐसे एक्टर्स हैं जो इनकी जिंदगी को अहमियत देते हैं कुछ और वजहों से। किसी एक को हमने बुलाया यहाँ पर, बड़े संगीन इंसान है, बहुत ही सीरियस इंसान है, इसे इनको सीरियसली इनवाइट करते हैं। साहब आइए प्लीज। ओ
तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलडे डिडलडू डिडलडे डिडलडे डिडलडू डिडलडे। दोस्तों बस कुछ ही देर में वापस आने वाले हैं ऑन जीना इसी का नाम है, स्टे राइट देयर। भाई, इनसे पहली मुलाकात कब हुई थी? इतना बड़ा हा, इससे बड़ा हा सकता है। देखिए सतीश शाह, ये जो है जिंदगी, सतीश शाह हा, एक ही है जो भरा हुआ स्टार है, इतना टैलेंट भरा हुआ है। और जब मैं इनको देखता था टेलीविज़न पे, मैं क्या पूरी इंडस्ट्री देखती थी और रिकॉर्ड करके देखता था। मैं जीतू साहब को बोलते हुए सुना था, तेरा मैं रिकॉर्ड कर देखता हूँ, आता हूँ फिर देखता हूँ। मैं ढूंढता था कि कोई मुझे मिले और मुझे इनसे मिलवाए। तो मैं राकेश बेदी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे मिलाया पहली बार राजकमल स्टूडियो में। मैं मिलने आया था, देखो बेचारे कितने प्यार से आगे याद है, इतने रोल किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए हैं, अच्छे अच्छे कमाल के रोल्स किए उन्होंने। अब पहली बार इस रोल में देख रहा हूँ इनको, ऐसा रोल ये पहली बार कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हैरानी वाला कैरेक्टर। एक एक मेहमान को जो रिसीव कर रही हैं देखिए इनको थोड़ा सा और हैरान करने के लिए एक और व्यक्ति अभी, क्योंकि जिक्र हुआ तो मुझे एकदम से याद आया, वरना देखिए मेरी भी याददाश्त जाने लगी है। How are you, man? I'm so glad that I'm talking for you on this program. सतीश, तेरी मेरी दोस्ती बहुत साल पुरानी है यार, शायद क्या पक्का 30 साल हो गए। And we are together since FTI days, and I think I share some very very nice and great and close and very comic moments with you. I must say that my experience to work with you in Ye Jo Hai Zindagi was probably one of the best times I've had in my life. It was such a great thing, such a great experience for all of us. Aur tere saath kaam karke hamesha itna maza aaya hai ki I think you have been one of the best co-stars I've had, because your sense of timing is always great. तू हमेशा हर जगह टाइम पे पहुंचता है यार, इसलिए बोला हूँ सेंस ऑफ टाइमिंग। और बाकी मैं कुछ बातें बोलूँगा और उस पर अगर तूने एलेबोरेट करना हो तो कर देना, थिंग्स लाइक सतीश, यू नो वी यूज़ टू स्कोल्ड यू लाइक दैट, एंड ये बड़ा हो के शत्रुघ्न सिन्हा बनेगा। तो राकेश बेदी इज ऑल्सो माई बैचमेट, शशि हमारे साथ ही थे। 74 में एक फिल्म फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, जिसके लिए हम लोगों को तो वो क्या बोलते हैं उसे, कार्ड्स मिले थे बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ एफटीआई। तो राकेश बेदी के घर में रुका था और इनके एक बड़े ही संगीन किस्म के बिल्कुल ही एक मामू साहब आए थे और उन्होंने मुझे देखे कहा, आपको क्या लगता है राकेश का क्या होगा? तो मैंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है ये घर से लड़ झगड़ के फिल्म इंस्टीट्यूट में आया है, काफ़ी लोगों की रसवाई हुई होगी, काफ़ी लोग नाराज़ हुए होंगे कि कहाँ जा रहा है तो फिल्मों में ये वो वगैरह, और अभी इसलिए ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। तो मैंने फ़ौरन डिफेंस पोजीशन लेकर, नहीं नहीं साहब, हर कोई इसकी एक्टिंग की दाद देता है और तारीफ़ करता है, कमाल का एक्टर है ये। तो उन्होंने उसी अंदाज में कहा कि मुझे भी लगता है कि ये शत्रुघ्न सिन्हा को रिप्लेस करेगा। तो मैंने कहा वाह, ये बात तो राकेश बेदी से कहनी पड़ेगी। तो मैं मौका ढूंढ रहा था, जैसे मैंने कहा उसकी बात मैं सुना, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ा। वो बेचारा खुद पछेमा हुआ, शर्मिंदा। तो वो किससे की बात कर रहे थे भाई, बड़ी अच्छी दोस्ती है ये। जॉनी जी, आप यहाँ पर साथ में बैठे हैं, मैंने कहा कि जिस तरीके से आप इनके अभी एक्सप्रेशन हमको करके दिखा रहे थे, किसी ने इनको कभी जो है वो आईना नहीं दिखाया है कि ये कैसे हैं। नॉर्मली सतीश जी के जो कुछ अलग अंदाज है करने का, अगर आप कुछ दिखाएं तो yeah.
सतीश भाई जो हैं, मुंह फट आपने सुना होगा ना, ऐसा मुंह फट वर्ल्ड में नहीं है। जो यहाँ है मुंह पे सीधा धपाड़, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, जो अंदर है वो बाहर। अभी यार सतीश भाई आपने उसको ऐसा बोल दिया है तो क्या हुआ यार, उसको बुरा लगा क्या यार? सतीश भाई बोला गलत थोड़ी बोला यार, बुरा लगा तो वो एड़ा है, क्या है? मैंने बोल दिया जो है बोल दिया, और क्या है, छोड़ना यार, बुरा लगा ठीक है यार। इतना ईजी लेता और दिल का बिल्कुल साफ। इस आदमी ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया है, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और इनकी बीवी वो भी माशाल्लाह सेम ऐसी है, सेम ऊपर वाले। एक बार हम लोग जा रहे थे कहीं पार्टी में, ऐसे गाड़ी चला रहे भाई, मैं बैठा हूँ और भाभी पीछे, मधु भाभी, सतीश कुछ भी बोल जॉनी भाई मेरे फेवरेट है, जॉनी भाई की कॉमेडी मस्त, जॉनी भाई के ना ये सैली मेरी औरत है, कौन है तू? मेरे सामने मेरी खटिया खड़ी कर, गाड़ी से उतर जाऊं मैं। चलिए ऐसा करते, कोई और भी इनसे बात करना चाहता है, कोई दिल की बात। हेलो सतीश, हम लोग पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिल हुए, उन दो सालों में अभिनय की तालीम तो ली हमने, लेकिन साथ साथ जो मस्तियाँ हुई, जो धमाल हुआ, जो हंसी ठहाके हुए, जो सेलिब्रेशंस हुए, और पीना पिलाना हुआ, टुन होना हुआ, वो सब जो है ऐसा लगता है कि वो वक्त फिर कभी वापस नहीं आएगा। और सतीश मैं सही कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो गलतफहमियाँ किस बात को लेकर हुई थी, क्या हुआ था हमारे बीच, लेकिन आज सारी दुनिया के सामने मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि मुझे वाकई कुछ याद नहीं है कि हमारे बीच क्या ऐसा घटा था, लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो उसे भुला देना। ये सतीश जी, वो पहली बात क्या थी जिसको उन्होंने कहा कि भूल जाओ तो अच्छा है? वो मुझे याद ही नहीं आ रही, क्योंकि मुझे खुद अचरज हुआ था इस बात का कि सडनली सुधीर पांडे जो मेरे इतने करीब हुआ करता था, वो सडनली दूर दूर जाने लगा और मुझसे कटने लगा। तो कुछ देर तक तो मैंने, कुछ दिनों तक तो ये कोशिश की कि भाई पता चले क्या बात है क्या नहीं, मगर जब उस तरफ से कोई इशारा नहीं हुआ तो फिर मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने कहा किसी बात को खुरेद के क्या फ़ायदा, बट टाइम इज़ द बेस्ट हीलर आई गेस। सो मुझे आज तक पता नहीं किस बात से हुआ था ये, मैंने मुंह फट फट फट, नहीं तो मैं तो बता देता ना। हाँ नहीं, मुझे वही लगा कि शायद कुछ बोल गए होंगे जो कि, बट ही वॉज एंड ही स्टिल इज़ वेरी क्लोज टू मी। इनकी जिंदगी में फिल्मों का अगर एक पन्ना है तो दूसरी तरफ टेलीविजन है, जिसपे इन्होंने फिल्मों को एक अलग तरीके से दर्शाया था। बड़े नजदीक से इनको उस समय किसी ने देखा, जिनको मैं यहां पर यहां साथ बिठाने के लिए निमंत्रण देने वाला हूं। आइए सर। लोगों ने इम्प्रोवाइजेशन की बात करी कि कुछ ना कुछ, और अच्छे कॉमेडियंस करते भी हैं जी। जायंट्स इन परफॉर्मेंसेस, दे आर इंस्टीट्यूशंस बाय देमसेल्व्स। एंड मैंने जो कुछ सीखा एज अ डायरेक्टर, मैं स्क्रिप्ट पे कुछ होता था, कुछ सोच के मैं जाता था सेट पे, लेकिन सतीश शाह रत्ना पाठक शाह का जो मैजिक होता था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, रिहर्सल में नहीं होता था लेकिन कैमरा के सामने व्हेन एक्शन होता था, इज टू बी डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। एंड आई हैव लर्न्ड फ्रॉम एक्टर्स लाइक हिम एंड रत्ना कि व्हाट परफॉर्मेंस मींस टू गो अबव द स्क्रिप्ट्स। एंड इट वाज बेसिकली अ टीम वर्क। सतीश कायदा थोड़ा बहुत कभी कभी नाराज हो जाता था कि यार तू बहुत जल्दी जल्दी शूट करता है, एक बार एक बहुत कमाल का हादसा है फिल्मी चक्कर के टाइम पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है जॉनी भाई। इसने इमरजेंसी क्रिएट की और इसने प्रोड्यूसर को बुला लिया, इसने सबको बुला लिया कि मैं शूट नहीं करूंगा, मुझे शूटिंग नहीं करनी है, आप मीटिंग बुलाइए। तो पूरा स्टाफ, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, चैनल वाले सब आके बैठ गए ऐसे सर्कल में। बोला मुझे डिस्कस करना है, मैं शूट नहीं कर सकता, मैं नाराज़ हूँ। बोला क्या? बोला आपको प्लास्टिक के बैग्स सप्लाई करने पड़ेंगे यूनिट को। बोला क्यों? बोला ये डायरेक्टर टॉयलेट में जाने का टाइम नहीं देता है, हम लोग बांध के ही सेट पे आते हैं। हम अंदर से
आप हमको कॉस्ट्यूम मत दो लेकिन प्लास्टिक के बैग जरूर दो ताकि हम बांधे अंदर और बांध कर आगे सेट पे बांधेंगे. तो दिस इज व्हाट सतीश शाह इज. आई थिंक हर चीज में कोई ना कोई एक अपना ही फ्लेवर ला देते हैं. मैं इस सेगमेंट में लोगों को जाते जाते एक ट्रीट जरूर देना चाहूंगा कि अगर एक और गीत आप गुनगुना दें, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और साथ में जिस तरीके से आपकी लय मिली थी बड़ा ही अच्छा लग रहा था. तो एक समथिंग विच आप दोनों का मैजिक देखना चाहता हूँ. बाबू अरे बाबू ए बाबू माता री कोट मारी कुम्मा ए बाबू माता री कोट मारी कुम्मा अरे माता री कोट मारी कुम्मा माता री कोट मारी कुम्मा छोटा सा ब्रेक लेके वापस आते हैं और जीना इसी का नाम है. जीना इसी का नाम है. जीना इसी का नाम है. अरे बाबू नहीं, आई कांट इवन अटेम्प्ट. मैं तो कोशिश भी नहीं करने वाला हूँ, बट क्या आपको मालूम है कि उस जैसा कोई गाना नहीं है. कोई गाना नहीं है वैसा. वो उस समय ऑन द स्पॉट कोई उन्होंने किसी टाइप पर बनाया था. हाल ही में इन्होंने एक शो किया जिसपे आप लोगों ने इनको न जाने एक अलग कैरेक्टर प्ले करते देखा था. मुझे लगा कि इट वॉज द सॉफ्टेस्ट साइड दैट आई हैड सीन, बट इनमें एक विट जो आपकी से आ रही थी वो इतनी प्लेड आउट नहीं थी. थोड़ा एक अलग किस्म का सार्केज्म था. एक ऐसी चीज थी जो लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पसंद आई. बड़े कंफ्यूज हैं. देखा, मैं एक को स्टार को बुलाना चाहता हूं यहां पर जो इंतजार कर रहे हैं. आइए साहब. कितनी बोलियां बांध के लाए भैया. अरे मेरा बेटा, मेरा बड़ा बच्चा. थैंक यू सो मच. सो गुड टू सी यू. हां, इट्स माय प्लेजर. क्या बैठे अभी हम लोग सुन रहे थे कि फिल्मी चक्कर पे उन्होंने स्ट्राइक कॉल कर दी थी. तीन घंटे सबको रोक दिया था क्योंकि बाथरूम जाने का समय नहीं मिलता था उस समय पे. क्या अभी भी थोड़ी सी अपनी नहीं, यहाँ पर डायरेक्टर को वो जो प्लास्टिक की थैली है वो बांधनी पड़ती है क्योंकि हम लोग इतनी मस्ती करते रहते हैं सेट्स पे कि देवेन हो या हमारे कैमरामैन हो ज्ञान जी, वो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं. तो उन्हें बोलना पड़ता है कि भैया डेडलाइन है, परसों ये एपिसोड जाना है, तो कॉन्सेंट्रेट गाइज, लेट्स वर्क. तो फिर क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि उम्र में बड़े हैं लेकिन ये हमसे छोटे हैं एनर्जी वाइज. इनका ह्यूमर, इन्हें जो देखते आए हैं इतने सालों से, ही हैज मेंटेन्ड हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ टाइमिंग सो ब्रिलियंटली वेल दैट इट्स अमेजिंग. थैंक यू. बिल्कुल बिल्कुल करा है. और मैं यहाँ पर इनके किसी पुराने डायरेक्टर के भी जो है कुछ अल्फाज आप लोग साथ शेयर करना चाहता हूँ. एक्सलेंट डायरेक्टर, एक्सलेंट टाइमिंग, एक्सलेंट टाइमिंग. अच्छा, अजीब सी चीज है, सतीश डज नॉट कम अक्रॉस, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ही जस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड, ही जस्ट डज दैट अमाउंट एंड मूव्स अवे. अरविंद मिर्जा साहब, यस बॉस, और आई थिंक फिर भी दिले हिंदुस्तानी की थी चलते चलते की. एंड ऑफ कोर्स उनसे एसोसिएशन तो रहा क्योंकि उनके अब जो छोटे भाई है सईद मिर्जा, वो हमारे साथ ही, हम सब साथ ही निकले थे इंस्टीट्यूट से. तो सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर एक और इस समय व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं उसी तमगे के. जी, वी वर अ गैंग, वी गॉट टुगेदर, वी मेड आवर फिल्म्स लाइक दैट. So when I was making my first film, Arvind Desai ki Ajeeb Dastaan, I said, Satish, come along, let's all make a film together. He participated in the production, in the costumes, in the, I don't know, all kinds of things, you know. It was like an entire team of people just trying to make a film together. Everyone participating and a film becomes a team. It's not a division between actors and technicians and things. No, it was just one team working together. उस जमाने से अब तक इतना स्पैन हुआ है. कभी कभार क्या, एक मैंने कहीं पढ़ा कि आपने जब मैं हूं ना में काम करा तो आपको दो रोल ऑफर किए गए थे. जी जी जी, यानी कैंडिडली कहा गया था कि फरा भी, खैर उसको भी सालों से जानता हूं, छोटी थी तब से जानता हूं क्योंकि उनकी मौसी, उनकी मम्मी मेरी दोस्त हैं.
And both are totally demented roles, you know. तो एक तो वो था कि वो प्रोफेसर का जो बमन ईरानी ने किया तो मैंने कहा मैं ये करूँगा आसान ना मैं हमेशा काम चोर रहा हूँ देन शाहरुख पीछे पड़ गए नहीं सर ये रोल तो इस किस्म के रोल तो आपने बहुत किए हैं मगर ये रोल आपके बिकॉज आई कैंट थिंक ऑफ एनीबॉडी एल्स डूइंग इट मतलब इवन आई कैंट थिंक ऑफ डूइंग इट माई सेल्फ ये क्या है थूकना थूकाना वगैरह ये गलीज बातें नो 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 इट विल लुक वेरी गुड एंड एवरीबॉडी विल आइडेंटिफाई क्योंकि हर एक किसके स्कूल में या कॉलेज में कोई ऐसा प्रोफेसर रहा होगा जो थूकता था बोलते वक्त तो मैंने चलो क्योंकि फरागी पहली पिक्चर थी तो ना कहने का तो सवाल ही नहीं आता मतलब चलो ठीक कर लेते हैं और इस तरह मैंने वो रोल किया और उसमें जो तकलीफें हुई है मुझसे ज़्यादा शाहरुख को क्योंकि जब भी मैं थूकता था शाहरुख पे वो हंस देता था और शॉर्ट रिटेक होता था तो छः छः सात सात रिटेक्स होते थे मैंने उससे कहा भैया मैं थूके जा रहा हूँ या तुम हंसो मैं बोला क्या करो इज लुकिंग सो फनी इज अ वंडरफुल बॉय आई लव दैट बॉय इन्होंने कोई प्रैंक्स आप लोगों के साथ करी सुमित ऑन द सेट्स बता दीजिए हुआ है काफ़ी बार की देवेन बुला रहा है सेट्स पे और हम लोग कल के पास आ रहे करके वो बेचारा जाता था सेट पे और हम लोग फिर भी मेकअप रूम में बैठे हैं नो तो वापस आता था अरे चलो भाई बुलाया आप लोगों को क्योंकि हाँ आ रहे तो यू नो 5 मिनट हो गए 10 मिनट हो गए 15 मिनट हो गए एंड देन सडनली सतीश जी प्लीज चलिए अच्छा सतीश जी हैं तो चिल्ला भी नहीं सकते ना तो सुमित शॉट रेडी है मैंने कहा सतीश जी वो है आप आइए आराम से बहुत परेशान किया हमने देवेन मैं आपको बताता हूँ एक दो किस्से बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ ये कभी कभार लोगों के घर एम्बुलेंस भेज चुके हैं कोई सीमेंट की ट्रक अगर अगर इनके घर के पास से गुजरती थी और पता पूछती थी तो किसी और के घर भेज देते थे अपनी ही सिस्टर इन लॉ को इन्होंने फोन कर करके कहा है कि अकेली हो पता नहीं क्या 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 भाई चलिए क्योंकि प्रैंक्स कितनी हो चुकी हैं कोई और ऐसा होना चाहिए जो शायद इनको अच्छे से जानता होगा इनके सामने कोई और तो पोल खोल सकेगा इनकी हमारे अगले गेस्ट यहां पर हैं आइए साहब हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है हमारी दोस्ती दुश्मनी से शुरू होती है हाँ। दुश्मनी से दुश्मनी लोग राइवल्स थे इंटर कॉलेज स्टेज पर इंटर कॉलेज में ये सेंट जेवियर में थे और मैं खालसा कॉलेज में था इंटर कॉलेज और खालसा पीपल आर वेरी बैड लूजर्स नहीं ऐसा नहीं है बट हम लूज करते ही नहीं थे ना वैसा ले बैड लूजर्स भाई देखिए मैंने हराया लूजिंग वाले पार्ट को मैं छोड़ना चाहता हूं क्योंकि जिस अहम भूमिका की मैं बात कर रहा था वो तो आपने इनकी जिंदगी में हर एक को एक जो होता है एक मेन प्लेयर साथ में चाहिए होता है लाइफ हां हां बिल्कुल यू नो वो बैटिंग करने के लिए बल्कि बेस्ट मैन था मैं बेस्ट आप बेस्ट मैन और मैंने जो कुछ इनकी जिंदगी में आया वो साथ-साथ ही आया और हम सब ने देखा उसे साथ-साथ साथ-साथ सब ने महसूस करते हुए देखा तो ये जो एंट्री हुई इनके लाइफ की पार्टनर की वो किस तरीके से हुई थी साथ साथ क्या है साथ साथ में एक गाना था जिसमें साथ कॉलेज का एक लड़का है और कॉलेज की एक लड़की तो वो मधु उस गाने में गाना गाने आई थी क्योंकि वी कुड अफोर्ड प्रोफेशनल सिंगर्स इवन कोरस सिंगर्स हाँ तो अशोक पंडित जो कॉलेज में प्लेज ले डायरेक्ट करते थे वो 3-4 अच्छी जो सिंगर्स की लड़कियों को घेर के ले आए हाँ उनमें से एक वो थी कैसे घेर के लाए उसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए वापस आता हूँ कुछ ही देर में ऑन नोकिया जीना इसी का नाम इतनी सारी बातें हो गई और इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हम लोग आके रुक गए थे 4-5 लोगों को अशोक जी लेके आए गाना गाने के लिए और उन्होंने जाने कौन सा गाना गाया कि सीधे दिल में समा गई जी बिल्कुल लेकिन उससे पहले साथ साथ से पहले आपने उनको 2 बार प्रपोज किया था और 2 बार रिजेक्ट हुए थे सही बात है सही बात है एक बार तो प्रेजेंट भी दी थी उस जमाने में कड़के हुआ करते थे मेरे दोस्त की घड़ी मैंने मांगी और उसको प्रेजेंट दे दी अभी भी है वो घड़ी इससे पहले कि ये घड़ी यहाँ से बीत जाए हम किसी को यहाँ पर बुलाना चाहते हैं अपने आखिरी सेगमेंट में आइए प्लीज अभिजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय प्लेजर बैठिए प्लीज प्लीज थैंक यू बीवी है भाई अच्छा 2 बार आपने इनका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट कर दिया इसलिए क्योंकि मैं जानती नहीं थी इनको बिल्कुल
out of the blue, he just comes and he says, I'm interested in you. I'm so-and-so, my father's so-and-so, my mother's so-and-so, and I want to get married to you. I played so much before Rami, I said, let's play flush. Now, the film was filmed for 7 years. At that time, which portion you sang in the song? It was in the chorus, tha, so you can't pinpoint which portion it is. Dekho kisi se na kehna. Yehi tha. ये बड़ा मजेदार किस्सा है सर अगर आप इजाजत दे तो हमारे साथ हमारे अच्छे दोस्त में अवतार गिल भी है तो रमन कुमार ने कहा नहीं 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 साफा तो पहनना पड़ेगा अब गुजराती फैमिली में साफा पहनना किसको आता है तो अवतार गिल ने कहा मुझे आता है तो मैंने कहा ठीक है पहना दे भाई तो उसने पहनाया मैं भूल गया कि वो सरदार है तो वो पूरी शादी में मैं सरदार बना हुआ था एक और चीज के जिंदगी में इनको किन किन चीजों से बहुत ज्यादा लगाव है आपके अलावा है देखना आपको तो मेरी अच्छा, एक्स गर्लफ्रेंड को बुला लाइयो मैंने सुना है कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है सतीश जी जी एक सेकंड जरा वहां तक जाइए जी प्लीज कौन है आइए आप आइए अरे अरे मेरे दो अनमोल रतन नाम क्या है इनके ये है लॉर्ड रिग्बी और ये है लेडी पर्डी लेडी पर्डी और रिग्बी पर्डी सेट अच्छा अच्छा आइए इनसे आपको बहुत ज्यादा लगाव है जी हाँ जी जी बहुत ज्यादा और यू ऑलवेज ट्रीटेड देम एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली यस यस है ना एंड ही डोट्स ऑन देम एब्सोल्युटली तो इससे पहले कि जिंदगी जो है वो यहाँ पर कुछ और मोड़ ले ले क्योंकि दो बहुत ही ज्यादा खुराफाती मुझे लग रहे हैं यहाँ पर बाप पे गए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सतीश जी जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस माय प्लेजर सर और मोर देन एनीथिंग एल्स आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है हमेशा बरकरार रहे इस तरीके के हमेशा आपके दोस्त तो हैं हैविंग अ पार्टनर लाइक हर हैविंग फ्रेंड्स लाइक दैट एंड पीपल हु मेक सच ग्रेट मेमोरीज बहुत बहुत शुक्रिया मैं एक बात कहूँगा रोशन साहब की मैं इतना खुशहाल हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं और हमेशा रहे हैं हमेशा ऑल माय फ्रेंड्स कहीं दोस्ती के रिश्ते कहीं चाहतों के किस्से कहीं हल्की फुल्की रंजिश ये भी प्यार के थे हिस्से जाते जाते सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सचमुच जिंदगी अपने आप में कुछ लोग बनाते हैं और उन्होंने हमको जिंदगी सिखाई जीना हमेशा दिखाया कि चेहरे पर किस तरीके से हम मुस्कुराहट रख सकते हैं जिंदगी जीनी है तो गम हो खुशी हो उसको एक ठहाके के साथ जियो जिससे कि हर इंसान आपको देखकर हमेशा ये कहे कि वाह जीना इसी का नाम है